हाँ बताइए। कैरू और मालेश्वर पंचायत समिति के सर्व समाज और सर्वधर्म के लोगों ने मिलकर के और यहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं, जितने भी और मीडिया कर्मी हैं और जो भी समाज के मान्य जो लोग मिले हैं, उन्होंने सबने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि हम एक सर्व समाज और सर्वधर्म के लोग मिलकर के यहाँ समाज के जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो अभी 10th और 12th के रिजल्ट निकले हैं, तो उसके हमने 85% गर्ल्स के लिए और 90% बॉयज के लिए फिक्स किया हुआ है। इतने परसेंटेज से ऊपर लाने वालों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पिछले एक साल के अंदर में जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तथा साथ के अंदर में जो सोसाइटी के राष्ट्र निर्माण के अंदर में जो लोग लगे हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का अच्छा सोशल वर्क कर रहा है, चाहे वो पर्यावरण के अंदर में हो, चाहे और किसी भी गो सेवा के अंदर में हो, या और भी किसी प्रकार के सोशल वर्क जो राष्ट्र निर्माण कैटेगरी के अंदर में आते हैं, समाज के गरीबों के उत्थान के लिए काम में आते हैं, या इस प्रकार का काम जो सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण होता है, उन लोगों को भी सामाजिक कैटेगरी के अंदर सोशल वर्क कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया जाएगा। ये 9 तारीख को संडे को प्रोग्राम रखा गया है और हम लोग सभी लोगों से आस पास के बालेश्वर और करीब पंचायत समिति के लोगों को कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर में जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाएँ और जो सोशल वर्क हैं जो काम करने वाले लोग हैं वो आगे आएँ, अपना नाम बताएँ कि उसने ये काम किया है, उसको एसेस किया जाएगा और उनको अवार्ड किया जाएगा। अवार्ड चाहे एक पैसे का हो, अवार्ड चाहे एक छोटा सा सर्टिफिकेट हो, अवार्ड चाहे एक मेमेंटो हो, वो उस आदमी के किए गए काम का एक तरह से रिकॉग्निशन है। जब किसी व्यक्ति को किसी काम का रिकॉग्निशन मिलता है तो उसको और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है काम को करने के लिए। और ये यही सोच करके ये अवार्ड और ये फंक्शन रखा गया है कि अच्छे काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए और अच्छे काम करने वाले लोगों को आगे फ्रंट में लाना चाहिए। अच्छे काम करने वाले लोगों को हमेशा हम आगे लेकर के साथ में लेकर के चलें ताकि अच्छे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़े और समाज के अंदर में विकास और उत्थान हो। धन्यवाद। हाँ, 2023-24 के अंदर में जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की हायर जॉब हो या कोई गवर्नमेंट टीचर लगे हो या किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब लगी है, उनके अंदर उनको भी सम्मानित किया जाएगा ताकि हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, ये यंग बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा जो अच्छा जॉब इंक्वायरी करने से जॉब लग जाती है, किस प्रकार के समाज के अंदर उनका स्टेटस बेहतर हो जाता है, हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और बच्चे भी उनके ज़्यादा मेहनत करेंगे। अभी कर्नल साहब ने काफ़ी सारी जानकारी दी है, उसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे कि जो 85% जो मैं बच्चियों के लिए रखा है, 90% जो बच्चों के लिए रखा है, उनके लिए 10th की मार्कशीट के माध्यम से ही उनको आंका जाएगा। और जिनको जिनकी भी गवर्नमेंट में जॉब लगी है तो उनको जो उनका ज्वाइनिंग लेटर है तो वो एक आधार के रूप में लेकर एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नंबर भी हमने बैनर के नीचे यहाँ पर दे रखा। और ये जो 10th और 12th दोनों क्लास के लिए अच्छा, ऑफलाइन अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो टेलीफोनिक नंबर पे करवा सकते हैं। और अंतिम तिथि 5 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते। इनके नियम और शर्तें क्या रहेगी? नहीं, वो डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा। मेन डॉक्यूमेंट ये है और आना पड़ेगा यहाँ, जिसका जैसे बच्चियों के मान लीजिए 85% या उससे ऊपर बने हैं तो उनके लिए वो उनको मार्कशीट का एक तथ्य देना पड़ेगा और बच्चों के 90% ऊपर है जिसका परसेंटेज बना वो उनको साथ में आना पड़ेगा। जिनका परसेंटेज बना वो साथ में आना पड़ेगा, खुद को जाना पड़ेगा, खुद को आना पड़ेगा, खुद को बच्चा उनको खुद को आना पड़ेगा और टाइम पे आना पड़ेगा, ये शर्तें हैं। और कितनी लास्ट कितनी है? 5 तारीख टाइमिंग फॉर्म भरने की तारीख 5 जून है और ये 9 तारीख को कितने बजे अवार्ड का? 9 जून का कितने बजे? 9 जून को सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और शाम तक चलेगा 5 बजे तक।